दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन के बाद अब उनके जिम ट्रेनर सोनू चौरसिया का बयान सामने आया है। एक्सक्लूसिव बात करते हुए सोनू चौरसिया ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। वो बेहद ही फिट और फिटनेस को लेकर सजग रहते थे। मैं पिछले 1.5 सालों से सिद्धार्थ को जिम में ट्रेनिंग दे रहा था। हर दिन सुबह 10:30 बजे हम लोग जिम में मिलते थे। वो जिम में बहुत हार्ड वर्क करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे राहुल वैद्य का सुबह 9:30 बजे कॉल आया कि सिद्धार्थ की तबीयत खराब है। पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर कई कॉल्स आने लगे। सिद्धार्थ की मौत सुनकर मैं बिल्कुल शॉक में हूँ। सिद्धार्थ कभी भी किसी मानसिक तनाव या डिप्रेशन में नहीं रहे, हमेशा खुश रहने और लोगों को खुश रखने वाले इंसान थे। 24 अगस्त को मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे जन्मदिन विश किया था, क्योंकि उसके बाद मैं मुंबई में नहीं था। 20 अगस्त को उन्होंने रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को गाड़ी गिफ्ट की बात कही और 22 अगस्त को गिफ्ट भी किया। जिम में हमेशा खुश रहते थे और कड़ी मेहनत करते थे। सोनू चौरसिया ने आगे कहा कि इसके बाद रात को डिनर के बाद वो 40 मिनट तक वॉक करते थे। कल रात करीब 11:30 बजे एक मीटिंग से वापस आए। मीटिंग के दौरान ही कुछ बाहर खा कर आए थे, इसलिए घर पर रात में छाछ और फल खाया और करीब 1:30 बजे सोने चले गए। सुबह उनकी माँ जब उन्हें उठाने गई तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए थे, जबकि वो ऐसे कभी नहीं सोते थे। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, पंप वगैरह किया गया, लेकिन डॉक्टर से तबीयत ज्यादा खराब होने की बात कहते हुए अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। मुझे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार है, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।